खालसा पंथ की स्थापना करने वाले सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह एक महान योद्धा, कवि, भक्त एवं आध्यात्मिक गुरु थे। उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब को पूर्ण कर उन्हें गुरु के रूप में सुशोभित किया। उनकी कही गई ये पंक्तियां आज भी जोश और ऊर्जा का संचार करती हैं। आइए आज हम गुरु गोविंद सिंह के अनमोल विचारों को जानते हैं। अगर आप केवल भविष्य के बारे में सोचते रहेंगे तो वर्तमान भी खो देंगे। जब आप अपने अंदर से अहंकार मिटा देंगे तभी आप वास्तविक शांति प्राप्त होगी। मैं उन लोगों को पसंद करता हूं जो सच्चाई के मार्ग पर चलते हैं। ईश्वर ने हमें जन्म दिया है ताकि हम संसार में अच्छे काम करें और बुराई को दूर करें। इंसान से प्रेम ही ईश्वर की सच्ची भक्ति है। अच्छे कर्मों से ही आप ईश्वर को पा सकते हैं। अच्छे कर्म करने वाले ही ईश्वर मदद करता है। जो कोई भी मुझे भगवान कहे वो नरक में चला जाए, मुझे उसका सेवक मानो और इसमें कोई संदेह मत रखो। जब बाकी सभी तरीके विफल हो जाएं, तो हाथ से तलवार उठाना सही है। असहायों पर अपनी तलवार चलाने के लिए उतावले मत हो, अन्यथा विधाता तुम्हारा खून बहाएगा। उसने हमेशा अपने अनुयायियों को आराम दिया है और समय उसकी मदद की है। हे ईश्वर, मुझे आशीर्वाद दें कि मैं कभी अच्छे कर्म करने में संकोच ना करूं। ये मित्र संगठित हैं और फिर से अलग नहीं होंगे। उन्हें स्वयं सृजनकर्ता भगवान ने एक किया है। सबसे महान सुख और स्थायी शांति तब प्राप्ति होती है जब कोई अपने भीतर के स्वार्थ को समाप्त कर देता है। दिन रात हमेशा ईश्वर का ध्यान करो। हर कोई उस सच्चे गुरु की जय जयकार और प्रशंसा करे जो हमें भगवान की भक्ति के खजाने तक ले गया है। भगवान के नाम के अलावा कोई मित्र नहीं है। भगवान के विनम्र सेवक इसी का चिंतन करते हैं और इसी को देखते हैं। आपने ब्रह्मांड की रचना की, आप ही सुख दुख के दाता हैं। आप स्वयं ही स्वयं हैं, अपने स्वयं ही सृष्टि का सृजन किया है। सत्कर्म कर्म के द्वारा तुम्हें सच्चा गुरु मिलेगा, उसके बाद प्रिय भगवान मिलेगा। उनकी मधुर इच्छा से तुम्हें उनकी दया का आशीर्वाद प्राप्त होगा। सच्चे गुरु की सेवा करते हुए स्थायी शांति प्राप्त होगी। जन्म और मृत्यु के कष्ट मिट जाएंगे। अज्ञानी व्यक्ति पूरी तरह से अंधा है, वह मूल्यवान चीजों की कद्र नहीं करता। ईश्वर स्वयं क्षमा करता है। बिना गुरु के किसी को भगवान का नाम नहीं मिला है। बिना नाम के कोई शांति नहीं है। मृत्यु के शहर में उन्हें बांध कर पीटा जाता है और कोई उनकी प्रार्थना नहीं सुनता है। जो लोग भगवान के नाम पर ध्यान करते हैं वे सभी शांति और सुख प्राप्त करते हैं। मैं उस गुरु के लिए न्योछावर हूं जो भगवान के उपदेशों का पाठ करता है। सेवक नानक भगवान के दास हैं। अपनी कृपा से भगवान उनका सम्मान सुरक्षित रखते हैं। स्वार्थी अशुभ संकल्पों को जन्म देता है।